हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं नवदीप का मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपा बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट लाइक के क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि रेज हो रहा है, जो मेरे पर बहुत से क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं कि अगर आप पीडीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपका जो राधा कृष्ण फेलोशिप है, तो उसमें आप जो है अपना पीएचडी सुपरवाइजर के अंडर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैं वो रिसर्च आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप जो है उसके अंदर कर सकते हैं अपने रिसर्च सुपरवाइजर के अंदर या पीएचडी सुपरवाइजर के अंदर, या आपको जो है कोई नया मेंटोर जो है वो आपको चूज़ करना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे द्वारा बनाए गए किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब ट्रेलर, तो आपको मेरे चैनल चैनल का इंटरफेस उस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट्स की वीडियोज को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लें नोटिफिकेशन। तो देखिए, जैसे सबको पता है कि जो ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप जो कि स्टार्ट हो चुका है 5 सितंबर का, जो लास्ट डेट हो 10 अक्टूबर 2022 है, ठीक है। तो पहले क्या था कि ये जो डॉक्टर एस राधा कृष्ण पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप है, इसको पहले जो है वो कोठारी फेलोशिप बोलते थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर डी एस कोठारी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप स्कीम। तो इन्होंने क्या किया है यूजीसी वालों ने, उन्होंने यहाँ पे 5 सितंबर को टीचर्स डे के उपलक्ष्य में उन्होंने जो जो नाम है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। पहले इसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर डी एस कोठारी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, और अब इसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर एस राधा कृष्ण पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप। मोस्टली जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है, गाइडलाइंस भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें जो मेंटोर्स रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा है कि आप जो है यहाँ पे आपने पीएचडी किया है, तो आप उस पीएचडी सुपरवाइजर के अपना अंदर जो है अपना जो है लाइक पोस्ट डॉक वो कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। इसी तरह ये जो डॉक्टर एस कोठारी फेलोशिप है वो कन्वर्ट हो गई है जो न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई जॉब मिली है किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे आपका वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका इंस्टीट्यूट हो, तो वहाँ पे उन्होंने जो है टीचर्स डे के दिन उन्होंने उस लाइक कोठारी को चेंज कर दिया है राधा कृष्णन में, और यहाँ पे न्यू एक फेलोशिप इंट्रोड्यूस किए जो कि डॉक्टर डी एस कोठारी रिसर्च ग्रांट फॉर न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मली हम लोग क्या है कि जितना भी हम लोग ने गाइडलाइंस है मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है लाइक मेंटोर्स रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन का, जैसे ही आप जो है ये गाइडलाइंस जो डाउनलोड करेंगे जो मैंने कर रखी है, उसमें देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है मेंटर के वाले में, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका जो मेंटोर होना चाहिए वो आपका एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही उसने एटलीस्ट थ्री जो पीएचडी थीसिस जो है वो एवेल्युएट लाइक दी होनी चाहिए, 3 पीएचडी स्टूडेंट उसने जो है ऑलरेडी दिए होने चाहिए, ठीक है। तो ये है, और इसके अलावा हम ये आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली क्या मेंशन कर रखा है वो आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन कर रखा है कि एलिजिबिलिटी ऑफ मेंटोर और सुपरवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है द मेंटोर शुड बी द रेगुलर फैकल्टी एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर नहीं कर सकते, एसोसिएट प्रोफेसर कर सकते एट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, ठीक है। द मेंटोर मस्ट हैव बीन अवार्डेड द पीएचडी डिग्री। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपके पास मेंटोर के पास पीएचडी डिग्री हो और वो एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर मिनिमम होना चाहिए, यानी मिनिमम जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मेंटोर शुड हैव सुपरवाइज एटलीस्ट 3 पीएचडी थीसिस, यानी इसने जो है ऑलरेडी लाइक 3 पीएचडी स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी उसने जो है लाइक दे दिए होने चाहिए, ठीक है। यानी उनके लैब से 3 लोग जो है उन्होंने पीएचडी अपना जो है कंप्लीट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक दे रखा है इन्होंने। इसके अलावा अगर आप ऊपर करके देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको वही लैब या वो मेंटोर चूज करना है या वो सुपरवाइजर चूज करना है जहाँ पे आप अपना जो पोस्ट डॉक्टर रिसर्च वर्क करने के लिए आपको सारी फैसिलिटीज़ मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आपको ऐसी लैब चूज़ करनी है, ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है कि आपको वहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको पोस्ट डॉक्टर रिसर्च वर्क के लिए मिले, और आपको उस मेंटोरशिप का यानी मेंटोर से आपको कंसेंट भी लेना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसके अंदर आप जो अप्लाई कर रहे हैं उसका कंसेंट लेटर आपको चाहिए होगा, ठीक है। कंसेंट लेटर फॉर द मेंटोरशिप कि वो आपको जो है
पीडीएफ करने के लिए वो जो है आपको अलाउ कर रहा है उसके लैब में, तो ये आपको कंसेंट लेटर जो है वो आपको चाहिए होगा। अब मेजर डिफरेंस ये आता है कि सपोज आपने जो ना पीएचडी जो है, सपोज आपने जेएनयू से किया है, ठीक है, अपने सुपरवाइजर के अंडर, ठीक है, आप क्वेश्चन ये बहुत आ रहा है कि आप जो है अपना पीडीएफ जो है, सपोज आपने अपना पीडीएफ राधा कृष्ण फेलोशिप आप जो है जेएनयू से कर सकते हैं अंडर सेम सुपरवाइजर की नहीं, ये क्वेश्चन जो है इस पे एक क्वेश्चन मार्क है कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब इसी चीज़ का आंसर मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि आपने कोठारी फेलोशिप जो है, डॉक्टर डी एस कोठारी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, इसका जो है आपको यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा इसका लिंक, तो वहाँ से आप जो इस लिंक पे आ सकते हैं, अदरवाइज आप इस लिंक को कॉपी करके भी आप इस लाइक नोटिफिकेशन पे जैसे इंटरफेस पे आ सकते हैं डॉक्टर डी एस कोठारी के। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो है फैक्स पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे फैक्स, या आप एलिजिबिलिटी पे क्लिक करिए, एलिजिबिलिटी पर भी आपको यहाँ पे सारा जो है डिटेल देखने को मिलेगा कि कोठारी का क्या डिटेल था, सेम डिटेल जो है आपको जो है इसमें भी देखने को मिलेगा, जैसे अप टू 3, 5 एंड 10 ईयर्स, यानी 3 ईयर्स का जो है आपको यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो ओबीसी में दिया जाता है, 5 ईयर्स का आपको SC ST में, और 10 ईयर्स का अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड में, इसकी भी जो एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, ड्यूरेशन भी सेम है, लेकिन ये जो डॉक्टर डी एस कोठारी फेलोशिप इसे कन्वर्ट कर दिया है टीचर्स डे के दिन, इसको आप बोलते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन फेलोशिप, ठीक है, उस टाइम पे देखिए उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड या इस टाइप से आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट अमोलमेंट दिया जाता था, लेकिन अब जो इन्होंने अमोलमेंट टोटल 50,000 पर मंथ कर दिया है ओवरऑल। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि फर्स्ट ईयर में आपको 47 मिलेगा, सेकेंड ईयर 49 और थर्ड ईयर में 54 मिलेगा, तो ये सब चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी हैं, ठीक है, क्योंकि तो आपको राधा कृष्णन फेलोशिप में जब आप उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है फैक्ट्स, जैसे आप फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस, इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके लिए जो रिलेवेंट है, तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको दिखा देता हूँ कि आप जो है कि जो कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप जो अपना पीएचडी सुपरवाइजर के अंदर जो अपना पीडीएफ कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पे आप क्लिक करेंगे, कैन आई अप्लाई फॉर DSK यानी डॉक्टर एस कोठारी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप अंडर माई PhD सुपरवाइजर, तो यहाँ पे इन्होंने देखिए क्लियरली मेंशन कर रहा है नो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, तो इन्होंने देखिए जितने लोग भी कोठारी फेलोशिप लिए हैं तो वो अपने PhD सुपरवाइजर के अंदर इस फेलोशिप को नहीं कर सकते, इस PDF को नहीं कर सकते, जो कि मैंने पहले भी आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप PDF कर रहे हैं तो आप जो हैं अपने रिसर्च सुपरवाइजर जहां से आपने PhD किया उसके अंदर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि नो दिस इज नॉट अलाउड, यू आर नॉट एलिजिबल टू डू योर पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप अंडर माई PhD सुपरवाइजर, यानी कि अगर आप कोई पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी फेलोशिप ले रहे हो आप, अगर सपोज आपने NPDF लिया है, NPDF या आपका जो है इंस्पायर फैकल्टी वाला, DST इंस्पायर जिसे बोलते हैं, या आपने जो है आपने लिया है डॉक्टर राधा कृष्णन फेलोशिप जो कि अभी चल रहा है राधा कृष्णन फेलोशिप, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन कर रखा है कि राधा कृष्णन फेलोशिप कि आप जो है कोठारी फेलोशिप जो है वो अपने रिसर्च सुपरवाइजर के अंदर जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्लियरली जो है वो मेंशन कर रखा है कि आप जो है नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आप जो हैं अपना पोस्ट डॉक अगर आप करना चाहते हैं अपने PhD सुपरवाइजर के अंदर, तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, अगर सपोज़ आपकी लैब में, सपोज़ ये आपकी लैब है आपकी, तो आपकी लैब में अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, सपोज़ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट में आप जो है एज अ PDF जो है आप वर्क कर सकते हैं सेम लैब में, सपोज़ आपकी लैब में कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है, उस प्रोजेक्ट में आपने ऑलरेडी PhD अपना कंप्लीट कर रखा है और आप कैरी आउट लाइक करना चाहते हैं अपना जो रिसर्च वर्क के अंदर सेम लैब, तब आप जो उस प्रोजेक्ट में जो है एज एन RA आप ज्वाइन कर सकते हैं, या SRF भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा आपका जो है प्रोजेक्ट में मेंशन कर रखा हो, एज एन RA अगर आप ज्वाइन कर तब भी वो जो है आपका एक्सपीरियंस में भी आता है, और एक्सपीरियंस में आने के बाद जो है आपका वो जो है एक्सपीरियंस जो है आफ्टर PhD वो काउंट होता रहेगा, जितने साल भी आप जो है अपना प्रोजेक्ट करेंगे चाहे उसका 2 ईयर हो या 3 ईयर हो या 1 ईयर हो, तो वो आपका रिसर्च आपका एक्सपीरियंस में काउंट होता रहेगा, और जब भी आप अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसमें API इंडेक्स रहता है जिसमें आपको देखने को मिलता है कि पोस्ट PhD एक्सपीरियंस जो रहता है वो 5 ईयर्स का अगर आपके पास है तो आपको 10 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि अगर आप जो है अंडर सेम लैब में करना चाहते हैं तो अगर आपके लैब में प्रोजेक्ट है तो आप उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं और आप जो है अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो कि आपका पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस ही काउंट होगा, ठीक है,
तो ये बात हो गई। अब लेकिन यहाँ पे देखिए आप, जो नई नोटिफिकेशन न्यू गाइडलाइंस आई है, तो इसमें इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है कि आप जो है अपना पीएचडी जो है वो सेम लाइक पीएचडी सुपरवाइजर के अंदर नहीं कर सकते हैं, पीएचडी सुपरवाइजर के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कोई भी जो है पॉइंट वो देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, इन्होंने बस ये कि एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में, जो है एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए, उसके अलावा पीएचडी डिग्री होना चाहिए और 3 पीएचडी थीसिस उसने जो है, यानी 3 बच्चों को पीएचडी अवार्ड उसने की होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ जो है वो मेंशन नहीं कर रखा है कि आप जो है डॉक्टर राधाकृष्ण फेलोशिप जो है वो आप अपने सुपरवाइजर के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया रखा है। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट देखने को मिलता है कि सपोज, ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने अपना पीएचडी जो है वो सेम सुपरवाइजर के अंदर मीन्स अपना सुपरवाइजर के अंदर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सिलेक्शन की, क्योंकि सिलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि अगर अब आप बताए सपोज अपना पीडीएफ यानी डॉक्टर ये कृष्ण राधा कृष्ण फेलोशिप भी आप जो है राधा कृष्ण फेलोशिप भी आप अगर सेम सुपरवाइजर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो सबसे पहले आपका जो है पीएचडी सुपरवाइजर वो आपका देखेगी, उसके बाद आप देखेगी कि आपका जो पीडीएफ है वो यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो अवार्ड है वो आप किसके अंदर लेना चाहते हैं या काम जो अपना फर्दर वो किसके अंदर करना चाहते हैं। तो अगर आप सेम सुपरवाइजर के अंदर करेंगे तो आपको यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। क्या आएगा आपको यहाँ पे? निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मे बी वो उन्हें ये लग रहा होगा कि आप जो है पीएचडी भी सेम सुपरवाइजर के अंदर किया है, पीडीएफ भी सेम सुपरवाइजर के अंदर किया है, तो मतलब आप जो है अब उस यूनिवर्सिटी या उस लैब को आप छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। तो एक ये रीजन हो गया, ठीक है, कि अगर आप जो है किसी अदर सुपरवाइजर के अंदर किसी अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब सेकेंड केस क्या, फर्स्ट केस तो ये हो गया, सेकेंड केस के क्या क्या हो गया, अगर सपोज आपने जो है पीएचडी आपने जेएनयू से किया है, ठीक है, अगर आप वही चीज़ पीडीएफ जो है या डॉक्टर कोठारी या डॉक्टर राधाकृष्ण फेलोशिप अगर आप कोई एससीयू से करें, कोई न्यू मेंटोर के अंदर, तो आपको यहाँ पे वेटेज मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है वेटेज मिलेगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। क्या लगेगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब सिलेक्शन कमेटी वाले को ये लगेगा कि आप जो है पीएचडी आपने दूसरी जगह से की और आप जो है स्विच करना चाहते हैं दूसरी लैब या दूसरे मेंटोर को अपने पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस के लिए, पोस्ट डॉक्टर वर्क के लिए, तो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो ये चीज़ एक और देखने वाले कि आपको निगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट ये क्या करता है, ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, की फॉर सिलेक्शन, ठीक है। तो ये बेटर रहेगा कि अगर आपको ऑप्शन मिल भी रहा है कि अगर आप जो है सेम सुपरवाइजर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करिए, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा कि आप जो है सेम सुपरवाइजर के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप जो है कोई नया यूनिवर्सिटी या नया जो है लाइक लैब सर्च करें ताकि आपका जो वहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी यही देखती है कि आपका सुपरवाइजर कौन था पीएचडी का और उसके बाद जो है आपका कि आपने जो न्यू अपना तो पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस लाइक फेलोशिप के लिए जो आप न्यू मेंटोर जो अप्लाई कर रहे हैं वो कौन है, ठीक है। तो पहला क्या देखता है? पीएचडी सुपरवाइजर, इसका भी इम्पैक्ट बहुत रहता है। अगर आपने कोई लाइक फेमस साइंटिस्ट के अंदर अपना पीएचडी किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। सेकंड आपका जो है पीडीएफ सुपरवाइजर, कि वो कौन है, उसका सीवी कैसा है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थिंग्स है। अगर आपने बहुत रेपुटेड सुपरवाइजर या बहुत जिसका बहुत नाम है उसके अंदर आपने पीएचडी किया है तो इसका आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा। दूसरा का आपने पीडीएफ सुपरवाइजर कौन चूज़ किया, अगर वो भी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी इंडिया का, फेमस साइंटिस्ट है इंडिया का, तो आपको यहाँ पर भी जो है आपको यहाँ पे जो है स्ट्रांग लाइक आप कैंडिडेट रहेंगे कि आपको ये फेलोशिप जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अपना सेम सुपरवाइजर के अंदर जो है आप अगर चाहते हैं आप उस यूनिवर्सिटी को नहीं चूज़ लाइक चूज़ करना चाहते हैं, आप वहीं रहना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो है मेंटोर चेंज कर दीजिए। अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो सपोज आपका पीएचडी सुपरवाइजर है, उसकी जगह आप उसी सेम डिपार्टमेंट में आप जो है किसी और सम अदर लाइक साइंटिस्ट का आप जो है नाम दें, सम अदर साइंटिस्ट नेम, ठीक है, अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट आपके सुपरवाइजर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पीएचडी का सेपरेट रहेगा और पोस्ट डॉक का सेपरेट रहेगा। अगर आप दूसरी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने जहाँ से पीएचडी किया है आप वहाँ से जो है अपना पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टर रिसर्च ना करें और आप जो है कोई नया सुपरवाइजर, नया मेंटोर आप चूज़ करें और उसके अंदर जो है अपना इस फेलोशिप को एक्टिवेट कराएं। नेक्स्ट चीज़ एक और है कि अगर आपने जो है
एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने मेंटोर का जो है वो नाम मांगा है कि नाम क्या है मेंटोर का, दूसरा उसका जो एफिलिएशन मांगा है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी से जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है, और उसने और नेक्स्ट मांगा है कि आपका जो उसने 3 अवार्ड दिया है पीएचडी के लिए, 3 अवार्ड पीएचडी का दिया है, मीन 3 स्टूडेंट को उसने जो है क्वालिफाई मतलब कि अवार्ड दिया है पीएचडी या नहीं, तो ये तीनों चीज़ वहाँ पर मांगी जाती हैं। वहाँ पे कोई भी नो सीवी, कोई भी सीवी नहीं मांगा है, नो सीवी ऑफ मेंटोर। लेकिन जब आप प्रपोजल अपना लिखेंगे, प्रपोजल आप लिख रहे होंगे, तो उस टाइम पे जो है आप मेंटोर का जो कंसेंट लेटर है, मेंटोर कंसेंट लेटर वो आप जो है अटैच कर दीजिएगा, मेंटोर कंसेंट लेटर इन योर प्रपोजल एट द एंड भी आप कर सकते हैं, इन योर प्रपोजल एट द एंड। लेकिन इसके लिए आपको मेंटोर की पहले परमिशन लेनी होगी, उससे आपको बात करना पड़ेगा, ताकि जो है अगर कोई भी रिकमेंडेशन या आपका कोई भी लाइक क्रॉस चेकिंग होता है तो आप जो है इसमें कोई भी लाइक आपका कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपका मेंटर बोले हाँ दिस पीपल ही वांट टू लाइक डू पोस्ट डॉक अंडर माई लैब। तो ये सब चीज़ें थी तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो आई होप आपको वीडियो में लाइक जितना आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, और आप जो हैं लाइक एक बेटर जो भी मैंने आपको ऑप्शन दिए उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो आप चूज़ करके जो है अपने इस फेलोशिप को एक्टिवेट कराएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर भी ना दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।